Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's me, Nishu. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे. आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखे हैं मेकअप वीडियो, स्किन केयर वीडियो, स्टाइलिंग वीडियोस, लेकिन ये वाली वीडियो थोड़ी सी हटके है. टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा. आज मैं आपको शू शॉपिंग हॉल दिखाने लगी हूँ. यस, अगर आप मेरी तरह है क्रेजी अबाउट शूज बैग्स, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. क्योंकि जो कमाल और यूनिक और टॉप नॉच क्वालिटी के शूज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेंगे. ईद आ रही है भाई, स्टाइलो में, ECS में, बोर्जान में मैं छांटा पिटी कर चुकी हूँ, कहीं पे भी खूबसूरत शूज नहीं है. तो आई थॉट के ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, एंड मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा है, तो आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. एंड शूज की तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगी. अगर आप लोगों ने अपने लिए लेने हैं ईद के लिए तो फटाफट ले लीजिए, क्योंकि डिलीवरी जो है वो बंद हो जानी है कुछ दिनों बाद. सो या सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. लेट्स बिगिन. ओके जी, जब मैं जूता खरीदती हूँ तो सबसे पहले मैं उसमें देखती हूँ कंफर्ट. सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंफर्ट, कंफर्टेबल हो चाहे जितनी प्राइस हो मैं खरीद लेती हूँ. सेकंड होता है स्टाइलिश, पैर में प्यारा लगे वो जूता आई वांट. अब थर्ड, ECS से मैंने खरीदा था जूता 2500 रुपए का, एंड इंतहाई अनकंफर्टेबल और इतना सख्त पत्थर के मैं आपको बता नहीं सकती. वो आज तक मैंने एक बार भी नहीं पहना, बिल्कुल नए का नया पड़ा हुआ है. एंड आई ट्राइड कि मैं उसको सेल करूं, लेकिन वो सेल भी नहीं हुआ, तो बेचारा वैसे का वैसे पड़ा है. ओके जी, सो द ब्रांड्स कॉल्ड शू स्क्वायर. बेसिकली ब्रांड नहीं है, एक पेज है जो कि बहुत क्लास के शूज बाहर से इंपोर्ट करता है. इंपोर्ट बोलते हैं कि एक्सपोर्ट बोलते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं मेरे ख्याल से. एंड आपको 3 से 5 दिन में डिलीवरी हो जाती है. सो इनकी आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस. ठीक है, ये रहा इनका बॉक्स, ये इंस्टाग्राम पेज है बेसिकली. ठीक है, एंड आपको ये बहुत ही क्लास के शूज प्रोवाइड करते हैं. हील्स, फ्लैट्स हो गए, बूट्स हो गए, व्हाटएवर यू वांट अवेलेबल है इनके पास. इनके शूज इतने क्लास के होते हैं कि वो फट से सेल हो जाते हैं. सो आपको फट से जो है वो ऑर्डर करना पड़ता है, वरना आपका साइज फिर नहीं मिलना है. अभी मैंने इन्हीं का जूता पहना हुआ है, लिटरली मैं सुबह से इसी में फिर रही हूँ. इतना कोई कंफर्टेबल है, इतना कोई कंफर्टेबल, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. अगर आप हील नहीं पहनते और ना ही पहन सकते हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड इनके जूते लें. लाइक इनकी 3 इंच होता है कि सेंटीमीटर होता है, आई एम रियली कंफ्यूज्ड राइट नाउ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. तो 7 इंच, 3 इंच की हील्स होती हैं जो कि सुपर कंफर्टेबल होती हैं. For me, 3 inch. Like I'm a mother of 3. I can't walk. I am heavy weight. So I prefer छोटी हील, क्योंकि छोटी हील में मैं बहुत टाइम तक चल सकती हूँ. सो फर्स्ट पेयर ऑफ शूज जो कि मैंने अभी पहना हुआ है, मैं उतार के आपको दिखा रही हूँ. लुक्स लाइक दिस. ठीक है, मजे की बात कि इसकी जो सोल है ना, उसका ग्रिप इतना ज्यादा है कि आप फिसलेंगी नहीं, क्योंकि हमेशा टायर्स पे डर लग रहा था कि भाई अभी मैं फिसल जासा और हाथ पैर टूट जासी. वाह क्या पंजाबी है, हाथ पैर मेरे पंजाबी के तोड़ दिए, पर खैर इट्स फाइन, कोई गल नहीं. सो जी, जूता लुक्स लाइक दिस. मैं आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगी, पहन पहन के दिखाऊंगी, साथ ही इसके बाद प्राइजेस में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और अगर नहीं भी मेंशन तो मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप पेज पे जाकर देख लेना. ओके, सो ये जो है ना, सुपर कंफर्टेबल, सुपर डुपर कंफर्टेबल हील. आप देख सकते हो ज्यादा बड़ी नहीं है, आई थिंक 3 इंच हील है इसकी. फ्रंट से स्क्वायर शेप में है, एंड द ब्लिंक, ओ माय गॉड, दूसरी गली से भी आपको इसकी चमक नजर आएगी. इतने खूबसूरत चमकीले चमकीले हैं. मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी शेयर किया है इसी ड्रेस में और इसी शूज में, एंड आप उसमें सिर्फ इसकी चमक देखेंगे. लाइक इट्स ब्लाइंडिंग, इट्स रियली गुड. सो मेरी तरफ से यू कैन गेट दिस लाइक अपने कपड़ों के साथ. भाई आप एक जूता ले लो ढंग का, किसी भी कपड़ों के साथ पहन सकते हो. लाइक इसका कलर ऐसा है ना, किसी भी ड्रेस के साथ जो है वो पेयर अप हो सकता है. ओह आई लव इट, मोनिका, ओह माय डार्लिंग. दूसरा उतार के दिखाऊं. चलिए जी, अब मुझे पहने हुए ये देख लें. आई लव इट. ओके, सो अब जो मैं आपको शू पेयर दिखाने लगी हूँ, मुझे डेफिनेटली पता है कि आप सबका ये फेवरेट होने वाला है, क्योंकि मेरा भी ये बहुत फेवरेट है. सो ब्लिंगी ब्लिंगी, शाइन ब्राइट लाइक ए डायमंड, वो वाला, मतलब जब मैं इस जूते को देखती हूँ ना, मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ जाता है. सो द जूता लुक्स लाइक दिस,
सो खूबसूरत, सो हसीन. द हील इज़ बहुत छोटी सी एंड द शूज़ इज़ वेरी कम्फर्टेबल जब आप पहनते हो. एंड इसको आपने अपने पैर के रैप अराउंड करना होता है. एंड दिस थिंगी इज़ ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल, ठीक है. इसके अंदर फोम लगा हुआ है एंड द जूता लुक्स लाइक दिस. ये वाला जूता जो है इसको आप जीन्स के साथ पहन सकते हो, ड्रेस के साथ पहन सकते हो, प्लाजो के साथ, क्यूलॉट के साथ, लाइक हर एक ड्रेस के साथ. इतना ये जाता है ना, और इतना उठ उठ के नजर आता है, लाइक आंखें जो है ना सीधी जूते पे जाती हैं. मैं जब भी किसी को देखती हूँ ना, मैं सबसे पहले जूता देखती हूँ, सबसे पहले, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. सो गेट अ बहुत ही खूबसूरत पेयर ऑफ जूता, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है. ओके जी, सो नेक्स्ट, आपकी कलेक्शन में एक न्यूड पेयर ऑफ जूते की अशद जरूरत होती है, क्योंकि न्यूड शेड जो है वो हर ड्रेस के साथ जाता है. जब आपका दिल ना करे कोई भी कलर का जूता पहनने की, तो wear nude shade and साथ में bling. Oh, perfecto. So I got this. ठीक है, again heel very comfortable, जूता inside again very comfortable, क्योंकि cushions लगे हुए हैं हर एक जूते के अंदर, तो आपका पैर थकता नहीं है. And then how pretty the design is. देखो, अगर आपका पैर जो है वो बहुत ही हैवी है, ठीक है, आपके साथ कोई जूता अच्छा नहीं लगता, देन गेट दिस. मेरी रिकमेंडेशन पे बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन लगेगा. फ्रंट से स्क्वायर है, ठीक है. अगर आपका पैर जो है वो चकोर है, जैसे मेरे बच्चों का पैर आगे से चकोर है, उनके साथ इस तरह के शूज बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि अक्सर जो छोटी फ्रंट वाले जूते होते हैं ना, उसमें पैर निकलता नहीं है. अक्सर लोगों की उंगलियां पीछे ही होती है, नजर ही नहीं आती. इस तरह के जूते में आपकी जो उंगलियां हैं ना, पूरी की पूरी नजर आएंगी, लाइक फुल आपका पैर बाहर निकलता है फ्रंट चकोर होने की वजह से. सो गेट दिस गर्ल, यू नीड दिस इन योर लाइफ. अच्छा जी, देन आपको अपनी जिंदगी में कुछ कलर्स भी डालने हैं, ठीक है. देन यू नीड अ बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल जूता. आई लव ग्रीन, आई लव पिंक, आई लव येलो, आई लव नियॉन कलर के शूज. तो आई गॉट अ बहुत ही ब्राइट पिंक कलर का जूता. आई ऑलरेडी हैव अ पिंक कलर का जूता, मैंने AliExpress से मंगवाया था, बट उसका कलर इतना नियोनी ब्राइट पिंक नहीं था. एंड फाइनली आई गॉट अ नियोनी ब्राइट पिंक. Can you see कितना खूबसूरत है, सीन जमील महजबीन जूता है ये, लाइक स्टेटमेंट पीस, जिसको आप वाइट ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, न्यू ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, ब्लैक ड्रेस के साथ पहन सकते हैं. लाइक अगर आपको जूते पेयर अप करने का तरीका आता हो, तो आप इसको थाउजेंड्स तरीकों से पहन सकते हैं. जीन्स के साथ जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगता है. एंड सोल इसकी बिल्कुल पुन्नू सी है, लाइक एक इंच की हील है, सुपर कंफर्टेबल. एंड द फैक्ट इज, मैंने पीछे आपको दिखाया नहीं, लेकिन हर एक शू का जो पिछवाड़ा है उसकी इतनी ग्रिप है कि आप फिसलेंगे नहीं. थैंक्स मी लेटर. ओके बॉस, सो ये वाला जो जूता मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैं हमेशा यही बोलती थी कि आई नीड अ गोल्डन कलर का जूता, ठीक है, जिसकी हील भी हो, जो कि कंफर्टेबल भी हो और बहुत शाइनी से हो, मेटालिक शेड वाले. तो फाइनली आई गॉट दीज फ्रॉम द सेम पेज, ठीक है. एंड हील बिल्कुल चुनमुन सी है. एंड अगेन द बेस्ट पार्ट, इसमें तो मैं भाग भी सकती हूँ, लाइक कोई रेसिंग हो, आई कैन डेफिनेटली वेयर दीज. बहुत खूबसूरत मेटालिक गोल्डन कलर में, सुपर हसीन. अच्छा जी, बस इसके बाद ना दो और पेयर्स रह गए हैं, और ब्लैक कलर के बूट्स हैं. बूट्स मैंने इसलिए मंगवा लिए क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में थे, गर्मियों में सस्ते मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू सर्दियों में. सर्दियों में बहुत महंगे होते हैं, सो आई थॉट के अभी ले लेते हैं, सर्दियों में फिर कभी नाराज जाना हुआ गलती से फिर पहन लेंगे, क्योंकि इस सर्दियों में तो हम कहीं नहीं गए. खैर, आई गॉट दीज बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर, लाइक फिटा हुआ ग्रीन नहीं, फिटा हुआ तो बहुत ही नियोनी नियोन टाइप वाला ग्रीन होता है, ये वो फिटा हुआ ग्रीन नहीं है, ये मरा हुआ ग्रीन है. लाइक वो कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, लाइक उफ, बिल्कुल वाइब्स आ रही हैं, वो जो लड़कियाँ सूट्स के साथ नहीं पहनती है, वो. आई नीड अ बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का सूट्स कह लूँ, सूट इसके लिए. लाइक लुक हाउ प्रिटी द डिज़ाइन इज, हसीन और जमील. एंड इसका जो ऊपर से टेक्सचर है ना, वो थोड़ा सा सिलिकोनी वेलवेटी टाइप, लाइक बहुत ही मुलायम, कि मेरी उंगलियाँ फिसल जाएँ इसके ऊपर, लाइक सो हसीन चू चू.
ये वाला कलर बड़ी मुश्किल से मिलता है, सो आई गॉट दिस वन एज वेल. इसको आप बहुत सारे ड्रेसेस के साथ पहन सकते हो, इवन लॉन के सूट्स के साथ. हील वाले जूते लास्ट लगते हैं भैया, बड़ी बॉस बेब लगेंगी आफ्टर वेयरिंग दीज. कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही मैं, बड़ा बोरिंग तो नहीं हो रहा है? वेक लिया करो कभी कभी, मेरी वीडियोज हैं, इतनी भी बोरिंग नहीं होती है. इसकी भी हील इज वेरी कम्फर्टेबल, लाइक 3 इंच नॉर्मली हर कोई पहन सकता है. अच्छा जी, तो देन आई गॉट दीज अपने लॉन के सूट के साथ, जो कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी. और यही वाले शूज मैं आपको दूसरी वीडियो में अपने कपड़ों के साथ स्टाइल करके दिखाऊंगी कि मेरे ईद के कपड़े कौन से हैं, उसको मैं किस तरह से स्टाइल करूंगी. इस बार वो वीडियो भी जरूर आनी है, और ड्रेस डिजाइनिंग वाली वीडियो भी बहुत जल्द आनी है, क्योंकि मैंने दर्जी को कपड़े दिए हैं और महाशय जो है वो अनकरीब मुझे कपड़े देंगे, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी. सो द जूता लुक्स लाइक दिस. अगेन आई सेड के इस तरह की जो क्या कहते हैं इसको, ट्राइंगल शेप में या फिश एज वाले जो जूते होते हैं वो फ्रंट पे जिनका पैर स्क्वायर होता है वो अवॉइड करें इस तरह के जूते लेना. जिनका पैर फ्रंट से बहुत ही नाजुक कली वाला होता है, यू कैन गेट दीज, बहुत प्यारे लगते हैं. जिनका पैर चकोर होता है ना इस तरह से जूते में, इस तरह के जूते में उनका पैर फ्रंट से निकलता नहीं है, प्रॉपर दिखता नहीं है, तो इसीलिए मैं अवॉइड करने को बोल रही हूँ. अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत मैरूनिश कलर में है. ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हील्स में जो आखिरी पैर है ना वो बिल्कुल मैंने बेसिक व्हाइट कलर में लिया. प्लेन व्हाइट कलर का जूता आपके शू कलेक्शन में होना जरूरी है, एंड इसकी हील जो है ना बड़ी क्लास की. अगेन स्क्वायर पैर वाले जो है ना फ्रंट जिनका स्क्वायर है वो ये वाला जूता ट्राई करें, आपको जबरदस्त लगेगा, आपके पैर के साथ हसीन और जमील लगेगा. द हील लुक्स लाइक दिस, बहुत ही खूबसूरत. एंड बैक से अगेन आई टोल्ड यू कि ग्रिप इनकी काफी अच्छी है. तो इन जूतों की जो है ना डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने लेना हुआ तो आपने लिंक प्रेस करना है. मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे इनका नंबर मिला तो मैं नंबर भी शेयर कर दूंगी, आप लोग के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी. लेट मी सी इफ दे हैव अ नंबर. यस, इनका व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप जो है वो इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो. काइंडली जब मैं आपको शूज दिखा रही हूँ उसका स्क्रीन शॉट ले लें और इनको पिक्चर सेंड करके इनके इनसे पूछ लें कि प्राइस क्या है जूते की. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको अपने बूट्स दिखाने लगी हूँ. बेसिक ब्लैक कलर की बूट्स हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे. गर्मी है आई थिंक आप अवॉइड करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से गर्मियों में ले लेने चाहिए, सस्ते मिलते हैं. ओह अल्लाह. अच्छा जी, तो सबकी पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से होके आई थी, जैसे कि ये है सेम वैसे ही पुलजा सिम सिम. सो ये रहे मेरे ब्लैक बूट्स. एंड करीब जब मैं पतली हो जाऊंगी और फिर सर्दियों में जो है मैं जीन्स वीन्स पहनूंगी तो उसके साथ आई विल वेयर दीज लाइक दीज और bomb.com. हील का कलर जो है ना मुझे बेहद पसंद लगा था, लाइक फुल ब्लैक एंड देन थोड़ा सा ओम्ब्रे टच, एंड दीज आर सुपर कम्फर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट, सख्त पत्थर तो बिल्कुल भी नहीं है. आई गॉट अ वाइट पेयर ऑफ बूट्स बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, लेकिन मैंने उस पर इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाई है, लेकिन इतने कोई सख्त पत्थर है, लिटरली ऐसा लगता है कि उसने मुझे पहना है, मैंने उसको नहीं पहना. आई लव दीज, कैन यू सी हाउ खूबसूरत एंड प्रिटी दीज आर. जितनी तारीफ करा कम है. और बेसिकली ये ब्रांड कॉल्ड नेक्स्ट के शूज हैं, एंड इसकी अपनी प्राइस जो है इज 45 pounds. ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि इस पेज पे आपको ब्रांडेड चीजें मिलेंगी, जैसे कि जारा हो गया, दुबई से आते हैं शूज. अब आई डोंट नो ये कहाँ से इंपोर्ट किए हैं, लेकिन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ब्रांड का नाम है, बाहर का ब्रांड है, जैसे कि H&M हो गया, प्राइमार्क हो गया. ठीक है, ये चीजें आपको बाहर से मिलती हैं और काफी महंगी मिलती हैं. सो मैंने पेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, डू चेक देम आउट, डू बाय फ्रॉम देम. ठीक है, कमाल कमाल कमाल. सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर इसी तरह की वीडियो आपको और चाहिए, यू वॉन्ट मी टू रिव्यू अदर पेजेस एज वेल, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो. निशु खान आप लोगों के लिए ट्राई करेगी डिफरेंट पेजेस एज वेल. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा पमान.